आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मौजूदा की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। 28 अप्रैल को रिलीज हुआ था, 29 अप्रैल को सवेरे उसका HD प्रिंट मार्केट में आ गया। मार्केट में नहीं आया, बाहुबली का प्रोडक्शन टीम हमारे पास एक कंप्लेंट लेके आया कि बाहुबली टीम का HD प्रिंट बाहर आ गया, कोई हमको ब्लैकमेल कर रहा है, 50 लाख रुपए पूछ रहा है, हमको मेल्स भेजा बोल के आया। तो इमीडिएटली हमने एक FIR केस रजिस्टर किया और एक टीम स्पेशल टीम बनाया केस डिटेक्ट करने के लिए। हमारे मदन SI साहब और उनका टीम खुद बाहुबली के प्रोडक्शन मैनेजर के जैसे जाके वो एक्यूस्ट को हैदराबाद बुलाए, बुला के उनसे नेगोशिएशन किया कितना होना पैसा। वो 50 लाख पूछा तो उसको पहले भरोसा दिलाने के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया और इसे हमारे SI साहब प्रोडक्शन टीम के मैनेजर के साथ बात करके उसको ट्रैप करे, कहाँ से करे, क्यों करे, कैसा करे, वो तो उसको हम लोग पूरे बातों में दिलाने से उन्होंने दिल्ली में उसके बड़े भाई और उसके 2 लोग हैं जो लोग भी इन्वॉल्व है बोलने से दिल्ली को एक स्पेशल टीम भेज के उनके बड़े भाई को और 2 लोगों को भी अरेस्ट किए। ये राहुल को जब हमने अरेस्ट किया तो इसने बताया कि ये प्रिंट ये बिहार के किसी एक छोटे गांव से लेके आया बोल के, उसके कन्फेशन के ऊपर इमिडिएटली हमारा टीम वो एक्यूज को लेकर बिहार गए। बिहार में बेगूसराय बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तरगा बोल के एक विलेज है, वो विलेज में जाके एक छोटा थिएटर है वीनस बोल के, वो थिएटर ओनर को जब पता किया तो थिएटर में जिन बाहुबली प्रोडक्शन टीम ने जिनको सेटेलाइट राइट्स दिया था उसका सर्वर वहाँ पे है, वो सर्वर हमने सीज किया इसके एक्यूज के कन्फेशन के ऊपर। वो सर्वर में मोनू बोल के एक एक्यूज ने वो सर्वर में से कैप्चर कार्ड लगा के पूरा पिक्चर का HD क्वालिटी ले लिया, लेकिन मोनू पकड़ा नहीं गया, वो भाग गया, तो मोनू को भी हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें टोटल अभी तक 6 लोग अरेस्ट हुए जो अभी पूरे पुलिस रिमांड में है। वेरी सुन मोनू को भी अरेस्ट करेंगे, उसका अरेस्ट करने के बाद ये कैप्चर कार्ड कैसे हुआ, कैसे HD प्रिंट उसने निकाला है पूरा फर्दर उसके अरेस्ट होने के बाद पता लगेगा। अभी 6 क्यों हैदराबाद जेल में, इन लोगों को भी पुलिस कस्टडी लेके इनके पास कुछ और प्रिंट से किया, इन लोगों ने कैसे किया, कहाँ कहाँ से किया और इंडिया में किस किस से इनका कनेक्शन हो सब मालूम करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि बाहुबली 1 जबलपुर में भी ये लोग ऑलरेडी अरेस्ट हुए, जबलपुर में भी ये लोग ने ऐसा किया था, तो जबलपुर से भी हम लोगों ने डिटेल्स मंगाया, वहाँ से डिटेल्स आने के बाद भी दोनों केसेस कंबाइन करके फाइनल चार्जशीट करके केस में नया कंक्लूजन ले जाएंगे। और मोनू के ऊपर भी हमने नज़र रखा हुआ है, उसको भी वेरी सुन हम लोग अरेस्ट करके पूरा केस एक फाइनल कहाँ से हुआ पता करेंगे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।